पाठ 9 संज्ञा विकार कारक। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए। श्रीराम महाराज दशरथ के बड़े पुत्र थे। श्रीराम ने लंका के राजा रावण से युद्ध किया। श्रीराम ने धर्म की रक्षा के लिए रावण को मारा। श्रीराम ने धनुष से अग्नि बाण छोड़ा जो रावण की नाभि में जा लगा और रावण का अंत हो गया। राम ने रावण के भाई विभीषण को लंका का राजा बनाया। ऊपर के वाक्यों में के, ने, से, की, के, लिए, में, का, को आदि रंगीन शब्दों का प्रयोग हुआ है, जिसके कारण वाक्य अटपटे नहीं लगते और इनका पूरा भाव समझ में आ जाता है। अतः वाक्यों का अर्थ ठीक से समझने के लिए इनका प्रयोग करना आवश्यक है। ये सभी शब्द कारकों के चिन्ह हैं, जिन्हें कारकों की विभक्तियां या परसर्ग कहा जाता है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध सीधा क्रिया से जाना जाए उसे कारक कहते हैं। कारक के भेद। कारक के 8 भेद हैं: कर्ता, कर्म, कर्ण, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। कारक के भेद एवं पहचान चिन्ह। क्रम: कारक का नाम, परसर्ग, प्रयोग। कर्ता: ने, राम ने कविता लिखी। कर्म: को, दिनेश को खाना दो। करण: से, के द्वारा, के साथ, राम ने पेंसिल से चित्र बनाया। संप्रदान: के लिए, को देना, अर्थ में, मामा जी रोहित के लिए कमीज लाए। अपादान: से, अमित कमरे से बाहर निकला। संबंध: का, के, की, रा, रे, री, राम का भाई डॉक्टर है। अधिकरण: में, पर, गिलास मेज पर रख दो। संबोधन: हे, रे, अरे, हे सत्यनारायण, अब क्या होगा। कर्ता कारक: अवनी दौड़ रही है, उपासना ने पुस्तक पढ़ी, अर्जुन सेब खाता है, कृष्ण ने दूध पी लिया। उपर्युक्त वाक्यों में अर्जुन, अवनी, कृष, उपासना द्वारा क्रिया करने वाले का बोध हो रहा है, अतः ये कर्ता कारक है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का ज्ञान हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने है, पर यह चिन्ह वर्तमान काल, भविष्यत काल की क्रिया होने पर नहीं लगता। ने के बिना कर्ता कारक के उदाहरणों पर ध्यान दीजिए। लड़का आता है, वर्तमान काल। लड़का चित्र बनाएगा, भविष्यत काल। लड़के ने चित्र बनाया, भूतकाल, बनाया। क्रिया सकर्मक है। लड़के आए, भूतकाल, आए। क्रिया अकर्मक है। अतः स्पष्ट है कि भूतकाल की क्रिया के साथ यदि कर्म ना हो तो कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं किया जाता। यद्यपि कर्ता का विभक्ति चिन्ह ने है, परंतु कभी कभी अन्य विभक्तियों के द्वारा भी कर्ता का बोध होता है, जैसे रमेश को विद्यालय जाना है, अजीत से चला नहीं जाता। कर्म कारक। लड़की ने रोटी खाई, अर्पित फल खाता है, बच्चा दूध पीता है, अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया। ऊपर के वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। इसमें क्रिया से पहले क्या या किसको लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर आए वही कर्म कारक होता है। इस प्रकार ऊपर के वाक्यों में रोटी, फल, दूध और छात्रों कर्म कारक है। रोटी, फल, दूध और छात्रों पर क्रिया के कार्य का फल या प्रभाव पड़ता है। जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द पर क्रिया के चेष्टा का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को है, किंतु यह चिन्ह कहीं कहीं नहीं लगता है, जैसे अप्राणीवाचक या निर्जीव कर्म के साथ प्रायः को नहीं लगता, जैसे उसने पुस्तक पढ़ी, मैंने निबंध लिखा। इन वाक्यों में पुस्तक और निबंध अप्राणीवाचक कर्म है, अतः इसके साथ विभक्ति चिन्ह को नहीं लगा।
अतः इनके साथ विभक्ति चिन्ह को नहीं लगा। कुछ वाक्यों में दो कर्म होते हैं, जैसे माँ शिशु को दूध पिलाती है, शिक्षक ने छात्रों को पाठ पढ़ाया। इन वाक्यों में दो दो कर्म हैं, शिशु को और दूध तथा छात्रों को और पाठ। यहाँ निर्जीव कर्म के साथ को का प्रयोग नहीं हुआ है। करण कारक। नाई कैंची से बाल काटता है, अध्यापिका चौक से लिख रही है, बच्चे गेंद से खेल रहे हैं, राघव साइकिल से स्कूल जा रहा है। दिए गए वाक्यों में कैंची से, चौक से तथा साइकिल से शब्दों द्वारा क्रिया संपन्न हो रही है, अतः ये करण कारक हैं। क्रिया को संपन्न करने में कर्ता जिस साधन की सहायता लेता है वह करण कारक होता है। संप्रदान कारक। पापा हमारे लिए कंप्यूटर लाए, प्रियांशु पिताजी के लिए फल लाया, भिखारी के लिए रोटी दे दो, माँ बेटे को लड्डू दे रही है। इन वाक्यों में हमारे लिए, पिताजी के लिए, भिखारी के लिए तथा बेटे के लिए कर्ता कार्य कर रहा है, अतः ये संप्रदान कारक है। जिसके लिए क्रिया की जाती है उसे व्यक्त करने वाला शब्द संप्रदान कारक होता है। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह के लिए तथा को है। संप्रदान कारक को पहचानने के लिए क्रिया के साथ किसके लिए या किसको लगाकर प्रश्न किया जाता है। उत्तर स्वरूप जो प्राप्त होता है वह संप्रदान कारक होता है, जैसे मोहन ने भिखारी को वस्त्र दिए। वस्त्र किसको दिए? भिखारी को, अतः भिखारी को संप्रदान कारक है। विशेष। को विभक्ति का प्रयोग कर्म कारक और संप्रदान कारक दोनों में होता है। कर्म कारक में क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, ऐसे में कर्म के साथ को का प्रयोग होता है। संप्रदान कारक में कर्ता जिसे कुछ देता है उस शब्द के साथ को पर सर्ग का प्रयोग होता है, जैसे कर्म कारक, अध्यापक ने विद्यार्थी को पढ़ाया। संप्रदान कारक, विवेक ने राम को पुस्तक दी। अपादान कारक। कमला विमला से लंबी है, मैं शेर की दहाड़ से डर गया, बच्चे दादी से कहानी सुनते हैं। संज्ञा के जिस रूप से अलग होने, डरने, तुलना एवं लज्जा आदि का भाव प्रकट हो उसे अपादान कारक कहते हैं। विशेष। से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करण कारक में भी होता है, अतः इन दोनों में अंतर जान लेना आवश्यक है। करण कारक में से विभक्ति चिन्ह द्वारा क्रिया होती है तथा अपादान कारक में से विभक्ति चिन्ह द्वारा अलग होने का भाव व्यक्त होता है, जैसे करण कारक आयुष पेन से लिखता है, अपादान कारक गौरव पेड़ से गिर पड़ा। संबंध कारक। यह रमेश का विद्यालय है, यह पुलिस की गाड़ी है, यह बिंदिया का घर है। इन वाक्यों में रमेश का, पुलिस की, बिंदिया का तथा विद्यालय, गाड़ी एवं घर से संबंध प्रकट हो रहा है, अतः इन वाक्यों में रमेश का, पुलिस की, बिंदिया का संबंध कारक है। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे वाक्य में आए दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध का ज्ञान होता है वह संबंध कारक कहलाता है। संबंध कारक का चिन्ह का, के, की, रा, रे, री है। वाक्य में प्रयोग दो संज्ञाओं या सर्वनामों के साथ किसका, किसकी या किसके लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है उसे संबंध कारक कहते हैं। अधिकरण कारक। बंदर पेड़ पर बैठा है, तोता पिंजरे में है, शेर जंगल में है, चिड़िया वृक्ष पर बैठी है। इन वाक्यों में पेड़ पर, पिंजरे में, जंगल में और वृक्ष पर शब्दों द्वारा क्रिया के आधार का ज्ञान होता है, अतः ये अधिकरण कारक हैं। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के होने के आधार, समय या स्थान का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहा जाता है। अधिकरण कारक के चिन्ह में तथा पर होते हैं। क्रिया के साथ कहां या किस में लगाकर प्रश्न करने में जो उत्तर मिलता है उसे अधिकरण कारक। संबोधन कारक। संबोधन का प्रयोग संज्ञा शब्दों से पहले होता है,
तथा इसके बाद संबोधन का चिन्ह भी लगाया जाता है, जैसे अरे महेश तुम कब आए, हे भगवान रक्षा करो, अरे बच्चों शोर मत करो। इन वाक्यों में अरे महेश, हे भगवान, अरे बच्चों संबोधन के रूप में है। संबोधन कारक में सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें संज्ञा शब्दों से पूर्व यदा कदा अव्यय शब्दों का प्रयोग होता है। जिन शब्दों का प्रयोग किसी को पुकारने, सचेत करने आदि के लिए किया जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। हमने सीखा संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध सीधा क्रिया से जाना जाए उसे कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण तथा संबोधन। कारक चिन्हों के बिना वाक्य अधूरे और अर्थहीन होते हैं।